हे नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि सर नवंबर 22 में एक ग्रुप देना है, दो ग्रुप देना है, कैसे चीजें मैनेज होगी, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। लेट्स लेट्स डू इट। सो मैंने आप लोग के लिए पूरा एक प्लानिंग किया है। विल जस्ट टेक 5 to 10 मिनट्स, बट आई एम श्योर काफी हेल्पफुल होगा। क्या हो रहा था कि काफी सारे स्टूडेंट्स के पर्सनल लेवल पे मेरे को व्हाट्सएप आ रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, एक ग्रुप दे, दोनों ग्रुप दे, मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नीड योर एडवाइस। सो आई थॉट कि मैं ऐसे 100 जन को एक एक करके एडवाइस दू, क्यों ना उससे अच्छा आप लोग सब लोग के साथ ही एक डिस्कशन कर लू। शेयर इट इन योर कमेंट्स, कैसा रहा ये डिस्कशन एंड हाउ वेल यू आर गोइंग टू अप्लाई। तो चलो यार, ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहले मैं बोलता हूं कि दोनों ग्रुप सबसे बेस्ट है यार देना। मतलब अगर आप सोचते हो ना कि यार एक ही ग्रुप दू, दोनों ग्रुप दू, तो मेरा सजेशन है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है और ऑलमोस्ट 5-6 चैप्टर खाली वीडियो लेक्चर देख के हो गया है आपका, तो भी मैं बोलूंगा दोनों ग्रुप दे दो। देखो मैंने भी, मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना, वो मैंने नवंबर अटेम्प्ट था, हम लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट ड्यू नवंबर अटेम्प्ट में होता था। तो मैंने जब आई रिमेम्बर 31 मई को मेरा सब ऑफिस ऑफिस खत्म हो गया था, 5 मंथ्स का लीव मिला था। दो सब्जेक्ट बाकी थे, डीटी और आईडीटी बाकी थे, बाकी सबकी क्लासेस हो गई थी। हमारे टाइम पे ऑडिट लॉ की हम क्लास करते भी नहीं थे। सो आपका भी अगर वो नहीं हुआ है तो इट्स नॉट अ बिग डील। डीटी आईडीटी की मेरी क्लासेस बाकी थी, वो मैंने कंप्लीट कर ली, साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहा था, एंड इट वॉज मैनेजेबल। हो सकता है, बट वॉट इज रिक्वायर्ड इज प्रॉपर प्लानिंग, एंड अब अपन वही करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं बात करते रहता हूँ कि हाउ व्हाट वाज द अप्रोच। वो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 6 महीना लीव लेके भी क्लियर नहीं किया, और जिन्होंने 3 या 4 महीना लेके भी क्लियर किया है एग्जाम्स। कुछ जनरल पॉइंट जो मुझे लगते हैं आपको फॉलो करने चाहिए, स्पेसिफिक स्केड्यूल। वी हैव 125 126 डेज। ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों 3 बार, आप देखो यहाँ पे 3 बार पढ़ सकते हो, वैसा प्लानिंग के साथ लेट्स गेट इट डन एंड डस्टेड। एंड देन डिसिप्लिन, कैसे क्या स्केड्यूल रहेगा आपका, वो सब अब अपन डिस्कस करने वाले हैं आने वाले 10 मिनट में। लेट्स फोकस। तो सबसे पहला एक चीज दिमाग में घुसा लो, विल पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए अभी, क्योंकि अब आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है ना सब दूर कर देना है। एवरी डे 10 to 12 आवर्स पर डे टिल एग्जाम्स पढ़ना है। उसमें 2 3 दिन बीच के ऊपर नीचे कुछ होंगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, 10 to 12 आवर्स पढ़ना है। हाँ आप सोचोगे सर 15 16 घंटा, हमने तो सोचा था। देखो प्रैक्टिकली जब आप 15 16 घंटे बैठोगे ना, तब इफेक्टिवली 10 12 घंटे पढ़ाई होगा। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे मैं इफेक्टिव स्टडीज की बात कर रहा हूं, एंड इफेक्टिव स्टडीज आपको 10 to 12 आवर्स करना है, एंड वो तभी हो पाएगा बॉस जब आप डेडिकेटेडली 14 15 आवर्स का प्लान बनाओगे, समझे? 14 15 आवर्स का प्लान बनाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, तब जाके अपन लोग यहाँ पे 10 12 घंटे पे फॉल करेंगे। एंड इसके लिए सबसे बेस्ट चीज है, एंड दैट इज स्टॉप वॉच लेके बैठो। जितना टाइम पढ़ाई कर रहे हो स्टॉप वॉच को चालू रखो, अगर जैसे ही पढ़ाई आपने रोक दी देन इन दैट केस स्टॉप वॉच को भी स्टॉप कर दो। आपको पता चलेगा इफेक्टिवली जिस दिन आपको लग रहा है आपने 10 12 घंटे पढ़ाई किया ना, आपको रियलाइज होगा कि खाली 6 8 घंटे पढ़ाई हो रही है। दैट इज वॉट स्टॉप वॉच डज। ये आपको एक मिरर दिखाएगा कि यार पढ़ाई जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है। देन यू विल स्टार्ट चेजिंग दैट स्टॉप वॉच कि आज 8 घंटा हुआ है, कल मैं स्टॉप वॉच में 9 आवर्स करूंगा, 10 घंटा 12 घंटा आई विल स्ट्रेच, एंड ऑटोमेटिकली फिर वो कंसिस्टेंसी बैठ जाएगी। बट उसके लिए सारे डिस्ट्रैक्शन साइड पे होना चाहिए, फुल फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर, एंड दैट इज द गोल, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सेकेंड, प्लीज पिक 2 सब्जेक्ट्स पर डे। सर पर मैं दोनों ग्रुप दू या एक ग्रुप दू, अभी मेरे को उसी में कंफ्यूजन है। उसके लिए है ना अपने पास, वो स्केड्यूल पे आ रहा हूं, बट इन जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। भले आप एक ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, कुछ भी करो, ये जनरल पॉइंट्स है। 10 12 घंटे पढ़ना ही है इरिस्पेक्टिव। अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो आपके लिए पासिंग है 60 मार्क्स, आपको उतना स्कोर करना है। क्योंकि देखो एक 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 बात बताता हूं, जो ओनली एक ही ग्रुप देता है ना उसका भी रिजल्ट तो 25% ही होता है। सपोज किसी ने ओनली ग्रुप 1 दिया, ओनली ग्रुप 2 दिया, रिजल्ट तो 25% होगा, मैक्स टू मैक्स 30% होगा। इसका मतलब 70 to 75% पब्लिक जो खाली एक ही ग्रुप दे रहा है वो भी क्लियर तो नहीं हो पा रहा है ना, तो आप तो उसमें होने ही नहीं चाहिए। यू हैव टू बी अमंग्स द टॉप 10, टॉप 15%। दिस इज द जनरल पॉइंट जो आपको फॉलो करना है। पिक 2 सब्जेक्ट्स पर डे, अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो भी, दोनों ग्रुप दे रहे हो तो भी।
अब अगर मेरा थॉट प्रोसेस लोगे ना, तो मैंने क्या किया था मैं आपको बता दूं, मैं भी कंफ्यूज था, बहुत सारे जन कंफ्यूज होते हैं, दोनों ग्रुप मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंफ्यूजन रहता है। तो व्हाट आई डिड इज पर्पजली, मेरे को चैलेंजेस बहुत पसंद, दैट्स द रीजन आई चोज सीए। सो और मैं आपको बता देता हूँ, जेन्युइनली स्पीकिंग मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, बट आई नो माई लिमिटेशंस एंड मैं उतना एफर्ट्स एक्स्ट्रा डाल देता हूँ बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट। सो आई न्यू के थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, दोनों ग्रुप इतना ईजी है नहीं। मैंने क्या किया, जानबूझ के जो सब्जेक्ट चालू किया ना, एक सब्जेक्ट उठाया ग्रुप वन का और एक सब्जेक्ट उठाया ग्रुप टू का, ताकि मुझे बाई डिफॉल्ट दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन ही करना पड़े, टाइम वेस्ट फिर मैं करूंगा ही नहीं। अब पहले से अगर आप सोच लेते हो ना, एक ही ग्रुप करते हैं, पहले एक ग्रुप के ऊपर फोकस करते हैं। देखो एक जनरल सजेशन क्या होता है, सुनना, पहले ना ग्रुप वन कर ले, टाइम मिला फिर ग्रुप टू कर लेना। अब वो टाइम मिला कभी आता ही नहीं है, आपका दिमाग ऐसे ही हो जाता है कि यार चल रहा है, एक ही ग्रुप दे देते हैं, देखा जाएगा फिर बाद में। पहले से अगर आप वो सोच लेते हो, देन गॉन, आप स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट चैलेंजिंग योर सेल्फ होएगा। सो एक सब्जेक्ट ग्रुप वन का उठाओ, एक सब्जेक्ट ग्रुप टू का उठाओ, लेट्स चैलेंज, लेट्स पुश आर लिमिट्स, कंफर्ट जोन को तोड़ देंगे तो डेफिनेटली मैनेज हो जाएगा। जनरल सजेशन, ग्रुप वन ग्रुप टू में बहुत कंफ्यूजन है, तो कोई भी एक ग्रुप लो, उसकी स्टडीज चालू करो, पूरा चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करो, टाइम देखो कितना बच रहा है आपके पास, देन यू कैन स्विच ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप। बट चैलेंजिंग है, देन बॉस लेट्स गो फॉर द किल, कीप ऑन इवेल्युएटिंग योर सेल्फ। देखो कोई भी चैप्टर सब्जेक्ट थियोरी प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, अगर कोई चीज पढ़ी, देन इन दैट केस कहीं ना कहीं उसको लिखते जाओ लिखते जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस्टिंग है, SFM है, FR है, इसमें सम्स कर रहे हो, देन कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उससे रिलेटेड कोई सम है, देख लिया, इमीडिएटली है ना उसको सॉल्व भी कर लो, सो दैट आप और बेटर होते जाओगे, ऑन द स्पॉट एक रिवीजन होते जाएगा। थियोरी, अभी ऑडिट का थियोरी तो याद नहीं रहता है, तो खुद से आदत रखो खुद के नोट्स बनाने के, ओन नोट्स आर द बेस्ट नोट्स, भले ही कोई कितना भी अच्छा आपको नोट्स दे दे, जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे ना, कुछ होने नहीं वाला है। भले ही मैं आपको मेरा कॉस्टिंग का मैजिक बुक दे दूंगा, जिसमें मैंने बेस्ट नोट्स आपके लिए बना के दे दे, बट फिर भी एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बोल देता हूं, ओन नोट्स से अच्छा कुछ भी नहीं है, ओन नोट्स आर द बेस्ट नोट्स, स्टार्ट डूइंग इट। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, थोड़ा कम सोना यार, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट ले लेना, खुद के करियर के लिए ही कर रहे हो, राइट? सो लेट्स डू दैट, ओन नोट्स बनाते जाओ जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो, कीप ऑन इवेल्युएटिंग, ऑडिट मत करो, साथ साथ में सॉल्विंग, थियोरी है तो राइटिंग प्रैक्टिस करते जाओ, कीप राइटिंग योर गोल्स ऑन पेपर, गोल्स टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, कि भाई ये मेरे को ये कौन सा सब्जेक्ट कब तक कंप्लीट करना है, वो वॉलपेपर बना लो एंड कीप चेसिंग देम। फ्यू ब्रेक्स इन बिटवीन इज वेरी नॉर्मल, हफ्ते में कुछ आवर्स, महीने के एक दो दिन जाएंगे वेस्ट, या तो कभी मेडिकल इश्यूज की वजह से, कभी थोड़ा डाउन फीलिंग आएगा, कभी थोड़ा नेगेटिविटी आएगा, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। वो मुकेश अंबानी या एलॉन मस्क, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, उनको भी आज भी आता है, तो आप और मैं क्या चीज है। बट हाउ डू यू मैनेज इट, वो जब नेगेटिविटी आ रहा है या कुछ आ रहा है और पढ़ाई नहीं हो रही है, एक दिन बोल दो अपने दिमाग को, बॉस टाटा बाय बाय, मैं आज पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। बट वो ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, बट एक्सेप्ट इट, एक दो दिन ऐसे जाएंगे, उतना ब्रेक ले लो एंड देन कंटिन्यू ओवर ऑन, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट स्टडिंग और वर्किंग। ये मैंने बहुत स्टूडेंट्स में, मेरे फ्रेंड्स में, सब में देखा है, सोचते रहेंगे यार मैं आज ये पढ़ लूंगा, आज वो कर लूंगा, आज मैं ये कैसा कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो सोचते 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 टाइम निकल जाता है, इतना टाइम अपने पास तो है नहीं, और फिर वो जो सोचा है आपने करने का टाइम नहीं मिला आपको, अब हुआ नहीं, उसमें भी पूरा दिन निकल जाता है, फिर आप अगेन नेगेटिविटी आ जाता है, ऑल ऑफ दैट को टाटा बाय बाय बोल दो, ठीक है? तो ये जनरल पॉइंट्स ध्यान में रखना, इररिस्पेक्टिव आप एक ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, ये चीजें फॉलो करनी ही है। अब अगर आता हूं मैं स्केड्यूल के ऊपर, अगर इसको खाली एक बार क्विक रिकैप कर लूं, 10-12 घंटे इफेक्टिवली टिल एग्जाम्स, प्लीज यूज स्टॉप वॉच, आज से स्टॉप वॉच यूज करना चालू करो, लेजिट बोल रहा हूं मैं, आप खुद कमेंट करोगे कि यस दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक। पिक 2 सब्जेक्ट्स पर डे, अच्छा रहेगा, एक थियोरी एक प्रैक्टिकल, सुबह उठते ही थियोरी से चालू करो, थोड़ा फ्रेश रहते हो तो वो टाइम पे इट इट बिकम्स गुड, और रात को मतलब शाम के टाइम पे जब थक गए हो तो प्रैक्टिकल चीज मैनेज हो जाती है। डोंट ऑडिट, कीप राइटिंग, खुद का नोट्स बनाओ, गोल्स लिखते रहो, ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला है, काम करने से चीजें खत्म होगी, बता रहा हूं मैं। 126 डेज है, ये मैंने आप लोग के लिए स्केड्यूल बनाया, देखो ग्रुप वन को दिया है 70 डेज, ग्रुप टू को दिया है 55 डेज, उसमें मैंने बेनिफिट लिया है इलेक्टिव का। देखो बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात होती है, इलेक्टिव को ज्यादा ध्यान मत दो, हो जाएगा मैनेज, इकोनॉमिक लेबर लॉ है, रिस्क मैनेजमेंट है, ये सब्जेक्ट उठा लो,
बिंदास मैनेज हो जाता है। एक दिन मैंने उसको यहां पे दिया है और प्रॉबेबली एक दिन मैंने एक बीच में कहीं पे एक दिन आपको निकालना है, और फिर वो जो 1.5 डे है तो 3 से 4 दिन इतना इलेक्टिव को देना है, उसके अलावा बाकी सब के ऊपर फुल फोकस करो। यस इट इज मैनेजेबल, दोनों ग्रुप आज से स्टार्ट करते हो तो भी हो जाएगा। सर मेरे कुछ लेक्चर्स देखना बाकी है, वो साइमल्टेनियसली देखते रहो एंड थिंग्स विल वर्क अप। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार नवंबर अटेम्प्ट है, अब तक मेरे सब लेक्चर्स हो जाने चाहिए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके दो दो तीन तीन चैप्टर लेक्चर्स मिस रहते हैं, इट्स ओके। कुछ चैप्टर्स रह जाएंगे होंगे आपके, या कुछ बोलते ना सब्जेक्ट रह गए होंगे, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। फर्स्ट उसके लिए मैंने 36 डेज रखा है फॉर योर ग्रुप 1, तो FR 12 डेज, SFM 10 डेज, ऑडिट लॉ अराउंड 6 to 8 डेज, इसमें आप खेल सकते हो आपके हिसाब से। सेकेंड रिविजन, बिकॉज आप लोग के दिमाग में ये चीज है कि थर्ड 3 रिविजन होने ही चाहिए, फेयर इनफ, अगर हो जाए तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है। दिस इज हाउ द स्केड्यूलिंग इज। सेकेंड के लिए मैंने दिया है 23 डेज, 8 डेज मैंने FR को रखा है, 6 डेज SFM, 4 डेज एंड 5 डेज ऑडिट लॉ। अगेन आई एम टेलिंग यू, इंटरनली क्या स्ट्रांग है क्या वीक है ये आपको ही पता है, आप इसमें खेल सकते हो। कोई बोलेगा मेरा FR बहुत स्ट्रांग है तो वो 10 दिन में कर लेगा, बट वो बोलेगा कि मेरा ऑडिट बहुत वीक है तो उतना टाइम वो एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेट ऑडिट पे डाल सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड देन फिर बाद में लास्ट डिविजन के लिए 3 डेज एवरी सब्जेक्ट एंड वी आर थ्रू। सो आई होप ये ग्रुप 1 का आपको समझ में आ गया होगा। ग्रुप 2 में आ जाता है आपका SCMP, DT एंड IDT, दीज आर द 3 सब्जेक्ट्स। 8 डेज, 11 डेज, 7 डेज दिया है मैंने, ऑब्वियसली DT बीइंग द एक्सटेंसिव तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है। अगेन सेकेंड रिविजन के लिए मैंने 6 डेज, 8 डेज एंड 5 डेज दिया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। एंड देन फाइनली 3 डेज ऑल सब्जेक्ट्स का रिविजन एंड विल बी थ्रू। सो इस हिसाब से अगर अपन करेंगे डेफिनेटली अपने 3 रिविजन हो सकते हैं इवन इफ यू स्टार्ट नाउ। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे आपको जैसे खेलना है आप खेल सकते हो। प्रॉबेबली आपको किसी सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम देना है कम देना है, यू कैन वर्कआउट। जैसे अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 12 दिन और एक थर्ड रिविजन के लिए रखा है, इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली इट इज वर्केबल। सो 71 डेज फॉर ग्रुप 1, अराउंड 55 डेज टू ग्रुप 2। इलेक्टिव को बहुत ज्यादा फोकस ना देते हुए, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, बाकी चीजों पे टाइम यूटिलाइज करके वी विल डू इट। मैंने ये अज्यूम किया है कि 1 नवंबर को आपको एग्जाम चालू हो जाएंगे एंड दिस इज हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड इट। अगर समझो उसके बाद या 5 नवंबर को ऐसा कुछ चालू होते तो वॉट एवर बोनस वी हैव, अच्छी बात है अपने लिए। अगर आप ये फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो एंड आपको क्लियर करना है, देन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, ये 3 चीज के ऊपर फोकस करना। डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ स्केड्यूलिंग 12 आवर्स पर डे, ये स्केड्यूल भी बना के दिया है। आई वॉज अ अर्ली राइजर और मेरा ये मानना है कि जल्दी उठो बेटर रहेगा, इवन दो यू आर अ लेट स्लीपर। ऐसा नहीं है लेट स्लीपर्स के लिए प्रॉब्लम है, बट डिस्ट्रैक्शन रात को ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। तो जो भी हो आप अपने हिसाब से अपना रूटीन फिक्स कर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है, बट प्रेफरेबल इज दिस। एंड ये अगर आप एवरी डे फॉलो करोगे, जो आपको करना ही है डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ, डेफिनेटली विल रीच देयर। बट व्हाट विल पावर चाहिए, लेक्चर स्टार्ट करने के सबसे पहला वर्ड ही मैंने यूज किया था विल पावर। दिस इज व्हाट यू हैव टू शो एट सीए फाइनल लेवल, राइट। सो 5:30 AM को यू हैव टू वेक अप, 7 आवर्स का मैंने स्लीप रखा है, 6 to 9 आपके पास बीच में जो टाइम है उसमें 3 आवर्स का एक आपका थ्योरी का सेशन कर लो, 9 to 10 में ब्रेकफास्ट गेटिंग रेडी, 10 to 1 वापस से एक 3 आवर्स का सेशन ले लिया, तो लंच के पहले अगर मेरा 6 घंटा हो गया होगा ना, लंच खाने में भी मजा आएगा। अदरवाइज लंच के पहले अगर इतना पढ़ाई नहीं हुआ होता है ना, मन ही नहीं करता है, होता है ना आपके साथ भी। लंच के पहले 6 आवर्स का पढ़ाई यू हैव टू कंप्लीट, उसके बाद लंच के बाद 1 घंटा सोने में भी मजा आएगा, बिकॉज बैटरी को वापस से चार्ज कर रहा है कि नहीं। सो यू नीड 1 आवर स्लीप। सुबह 5:30 बजे के अपन लोग उठे हुए, राइट। सो यहाँ पे आपको लंच के पहले तक अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स कंप्लीट करना है, 3 o'clock तक लंच प्लस 1 आवर स्लीप हो जाना चाहिए आपका। फिर बाद में वापस से देर इज अगेन अ 3 आवर का स्लॉट, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लो, फिर स्नैक्स एंड डिनर के टाइम पे 2 आवर्स और कर लो एंड यू विल बी थ्रू अप्रोक्सीमेटली। ये तो मैंने जो दिया है 13 आवर्स का शेड्यूल है, इसमें आधा 1 घंटा निकल जाएगा,
12 आवर्स इफेक्टिवली आप कर सकते हो इफ यू फॉलो दिस शेड्यूल। अगर आपका खुद का कोई शेड्यूल है तो भी चलेगा, बट लिख लो एंड एंश्योर दैट यू टेल योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स और समबडी हु इज कीपिंग अ चेक दैट आप ये फॉलो कर रहे हो या नहीं। 10 दिन उन्होंने आपके ऊपर ध्यान दे दिया, 10 दिन आपने अपने आपके ऊपर ध्यान दे दिया, 11वें दिन ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट consistency, weekly and daily schedules should be made in advance. Again, I'm telling you, if you fail to plan, you plan to fail. So, boss, planning बहुत जरूरी है, weekly, daily schedules बनना ही है अपना और उसको follow करते रहो, बहुत आगे का भी मत सोच लो। अगर अपन लोग ने weekly, daily schedule बना लिया and उसको regularly follow किया, we'll be able to manage it. 2 subjects per day, regular writing practice, मैं बोल चुका हूँ आपको, portion completion कब होना चाहिए इसका आपको clarity होना चाहिए कि भाई ये मेरा group 1 अब complete हो जाएगा, ये मेरा group 2 अब complete हो जाएगा। weekly regularly अपना weekly जो schedule है उसको हो रहा है कि नहीं, daily schedule जो आपने बनाया है सुबह उठ के वो हो रहा है कि नहीं। तो ये 5:30 to 6 का जो time है ना, उसमें पूरे दिन में क्या पढ़ना है, कौन से आवर्स में क्या क्या करना है, उस चीज का क्लैरिटी ले लो, इट विल बी बेटर। फिर बाद में है रेगुलरली फॉलो अप लेते रहो अपने खुद का, स्टे हैप्पी, बेसिकली पॉजिटिव रहो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज से नो टू इंटरनेट। अगर आपको, मैं सोशल मीडिया नहीं बोल रहा हूं, मैं इंटरनेट बोल रहा हूं, मेरे अगर इंटरनेट बंद कर दिया ना तो बाय डिफॉल्ट मेरा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब सब बंद हो जाता है। तो सर हमारे को अपडेट्स कहां से मिलेंगे, इसलिए हम तो है ना सर टेलीग्राम और यूट्यूब चालू रखते हैं, कोई जरूरत नहीं है। रात को अगर आपको ऐसा चाहिए तो थोड़ी देर के लिए चालू कर देना, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। एंड जो यहाँ पे मैंने जो लंच का टाइम दिया है ना, ये वाले टाइम पे थोड़ी देर चालू कर देना, बस फिर बाद में कोई टेंशन नहीं। सो लंच के टाइम के आसपास देख लेना, हाफ एन आवर, कोई टेंशन नहीं है। एंड दूसरा अगर आपको देखना है तो रात को सोते वक्त अगर आप देख लोगे, तो ये 2 टाइम है आपको मैं दे रहा हूं, उतने टाइम में आपको जमता है अगर देख लो, उसके अलावा प्लीज इंटरनेट चालू मत करो। इट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग दैट यू विल डू, बिकॉज इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम है पता है, एक व्हाट्सएप से मैं दूसरे इंस्टाग्राम पे जाऊंगा, तीसरे मैं टेलीग्राम पे जाऊंगा, चौथे यूट्यूब पे जाऊंगा, यूट्यूब पे एक चैनल से दूसरे से तीसरे पे जाऊंगा, एंड इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। आजकल तो अगर सर हमको रिविजन लेक्चर्स देखने हैं तो आप तो डाउनलोड कर सकते हो ना, और यूट्यूब तो ऑफलाइन भी अवेलेबल है ना, तो कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज मैनेजेबल, राइट? एक्सक्यूजेस मत ढूंढो, फोकस के ऊपर, डेडिकेशन के ऊपर ध्यान दो। आज की तारीख में किसी भी बड़े आदमी का नाम ले लो, वो इसी से, ये 3 चीजों से ही लाइफ में आगे बढ़ा है। आपको भी इसी को फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, से नो टू इंटरनेट, बिकॉज वो अपने लिए डिस्ट्रैक्शन है, बेसिकली से नो टू डिस्ट्रैक्शन, बट अभी फिलहाल अपने लिए डिस्ट्रैक्शन ये इंटरनेट ही है। चलो, टाइम फॉर मी टू से आस्ता ला विस्ता, प्लीज इसको फॉलो करना जो यहां पे मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया है, एंड आई एम श्योर वी विल डू इट the best way we can. ये है मेरा 12 to 13 hour schedule. If you want, you can copy this. ये आपका around 125 days का schedule. Use this. ये general points. Follow this. Hasta la vista. Do tell me कैसा लगा आपको ये सब points and whether you will be able to follow it or not. Please stay consistent. कहीं पे डाल दो, comment में लिख दो. Yes, I will be disciplined. I will be consistent for 12 hours per day till my exams. बैठ गया ना दिमाग में, विल पावर सोच लिया ना करना ही है, फिर बाद में कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। हास्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।